हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डबल कलर का निटिंग पैटर्न डिज़ाइन। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में बना सकते हैं, बेबी स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से मैंने फर्स्ट रो यहाँ से बनाई। सेम ऐसा ही मैं आपको ऊपर बताने वाली हूँ इस डिज़ाइन को बनाना। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं, 6 × 2 H फंदे लेंगे। एक बार आप डिज़ाइन फिर से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये, देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाने के बाद ही आपने कलर को चेंज करना है और फर्स्ट रो बनाना है। ये हमारा एच फंदा है, इसे मैंने यहाँ पर सीधा बनाया, ये देखिए। अब आपने 1, 2, 3 और 4 फंदे आपने सीधे बनाने। ये हमारा एच फंदा है, ये भी मैंने सीधा बनाया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 फंदे आपने सीधे बनाने। अब आपने 2 फंदों को बिना बुने उतार देना है। फिर रिपीट करेंगे 1, 2, 3, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। फिर रिपीट करेंगे 1, 2, 3 और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदों को स्लिप करेंगे। 4 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे। राइट साइड से आप फर्स्ट रो को ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए। इसे हम कंप्लीट करेंगे। साइड से बनाएंगे हम सेकेंड रो। ये हमारा एज फंदा है, इसे हमने निकालना है। अब देखिए, इस फंदे को आपने उल्टा ही बनाना है। 1, 2, 3 और 4 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। ये 2 फंदे हमारे पास हैं, इन दोनों फंदों को आपने एज इट इज उतार देना, इन्हें बिना बुने। फिर रिपीट करेंगे 1, 2, 3, 4 फंदे आप उल्टे बनाएंगे। दोनों फंदों को स्लिप करेंगे। फिर रिपीट करेंगे 1, 2, 3 और 4 फंदे आप उल्टे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से सेकेंड रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से बनाएंगे हम थर्ड रो। अब हम अपने कलर को चेंज करेंगे। ये हमारा एज फंदा, सीधा बनाएंगे, सीधा और सीधा। ये 4 फंदों में से हमने 2 फंदे यहाँ पर सीधे बनाए। ये हमारा एज फंदा है। अब यहाँ पर देखिए, 2 फंदे हमारे ये कलर है और 2 फंदे हमारे ये दूसरे कलर है। अब आपने क्या करना, इन 2 फंदों को आपने लेना है, ये देखिए, ये और एक फंदा आपने ये लेना है। 1, 2, 3 फंदे आपने एक साथ लेने और इसे निकाल देना है। अब आपने पीछे से लेते हुए, ये देखिए, इस तरीके से दोनों फंदों को लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना है और इस फंदे को निकालते हुए और पलटते हुए आपने ऐसे फंदे को लेना है। अब आपने पीछे से इसे सीधा बनाना है। ये 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, ये देखिए। अब आपने ये वाला फंदा और 2 फंदे आपने ये लेने हैं। इन दोनों फंदों को, ये देखिए, इन दोनों फंदों को आप ऐसे पीछे से लेंगे और इस वाले फंदे को निकालते हुए आपने लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना है। अब आपने इसे लेफ्ट वाली सिलाई पर लेते हुए इन्हें भी आप सीधा बुनेंगे, सीधा और इसे सीधा, ये देखिए। एक बार फिर रिपीट करेंगे। देखिए, ये 2 फंदे हैं हमारे पास, इन दोनों फंदों में से एक फंदा ये लेंगे, 2 फंदे हम ये लेंगे। अब आपने इन दोनों फंदों को ये ऐसे लेना और ये वाले फंदे आपने लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना है और इस फंदे को आपने पलटते हुए लेफ्ट वाली सिलाई पर लेंगे और पीछे से आपने इसे सीधा बनाना है, सीधा, सीधा, ये सीधा। अब आपने ये फंदा लेना है, 2 फंदे आपने ये वाले लेने हैं। इन दोनों फंदों को आपने पीछे से लेते हुए, ये देखिए, इस तरीके से, और अब इसे निकालेंगे और इसे लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे। इन दोनों फंदों को आप लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इसे अब आपने सीधा बनाना है और इसे भी अब हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए। फिर रिपीट करेंगे। एक बार फिर देखिए, ये 2 फंदे और ये 2 फंदे। अब आपने ये 2 फंदे
ये देख, ये वाले फंदे लेने हैं आपने, तीन फंदे। तीनों फंदों को हम राइट वाली सिलाई पर लेंगे और इन दोनों फंदों को हम लेते हुए लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस फंदे को पलटते हुए आपने ऐसे करना है, सीधा बनाएंगे, सीधा, ये देखिए सीधा। अब आपने ये फंदा लेना और दो फंदे आपने ये लेने हैं, इन्हें आपने पीछे से इस तरीके से लेंगे और इस फंदे को आगे से ऐसे, इन्हें आपने लेफ्ट वाली सिलाई पर लेना है सीधा और ये सीधा। ये राइट साइड से थर्ड रो को आप इसी तरीके से रिपीट कर लेंगे। साइड से बनाएंगे हम फोर्थ रो। फोर्थ रो में आपने सभी फंदे ये देखिए उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए फंदों को उल्टा बनाते हुए फोर्थ रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट रो से लेकर आप फोर्थ रो तक इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स, और आपका ये डिजाइन बन जाएगा। एक बार मैं फिर बताती हूँ आपको, फर्स्ट रो हमने कैसे बनाई थी। कलर को हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद ये वाला फंदा आप इसे स्लिप कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। और अब आपने फोर फंदे 1, 2, 3 और फोर फंदे आपने सीधे बनाने हैं। दो फंदों को आप उतारेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फोर फंदे आप इसमें सीधे बनाएंगे, 2, 3 और फोर फंदे सीधे, 2 फंदों को आप स्लिप करेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो हमने ऐसे बनाई थी, सेम ऐसे ही फर्स्ट रो से लेकर फोर्थ रो तक रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, और ये सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आपका रेडी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सुंदर सा डिज़ाइन वो भी बना सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।